नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भद्रा काल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन थी भद्रा और अगर भद्रा काल में हम राखी बांधते हैं तो हमारे ऊपर क्या परेशानियाँ आ सकती है, और साथ ही बात करेंगे कि अगर भद्रा काल में राखी बांधनी हो तो कैसे बांधी जाएगी। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और जानेंगे वीडियो में। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार बस आने ही वाला है और यह त्यौहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के लिए बेहद ही खास होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 2023 में रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाने वाला है? क्या आप यह जानते हैं कि 2022 की तरह ही 2023 में भी रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा का योग बनने वाला है? तो आखिर क्या होती है यह भद्रा? आखिर इस भद्रा में राखी की वजह से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, और इस साल राखी बांधने का सही तारीख, सही मुहूर्त और पूजा करने की विधि क्या है? दोस्तों, हमारे बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जिस समय रक्षाबंधन में भद्रा का योग होता है उस समय सभी भाई बहन को बहुत ही सचेत रहना होगा, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना आपके भाई के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं रहता है। ऐसे में गुरु जी ने रक्षाबंधन से जुड़ी बहुत सी ऐसी जानकारी अपने भक्तों को दी है। इसी के साथ आपको यह बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार ने अपने भक्तों को रक्षाबंधन के दिन 5 रुपये की एक खास चीज़ बाज़ार से लाने के लिए कहा है, जिसे लाने के बाद आपके घर में, आपके भाई के घर में धन दौलत के भंडार भरे जा सकते हैं। तो अगर आप भी रक्षाबंधन के त्यौहार में जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी जानना चाहते हैं, तो इस रक्षाबंधन को ज़्यादा शुभ बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी और रक्षाबंधन से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है। भारत में शायद ही ऐसा कोई धर्म होगा जिस धर्म के लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग भाई बहन का यह त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इस त्यौहार वाले दिन बहनें अपने भाइयों की उनकी कलाई पर रंगीन राखियाँ बांधती है और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन बीते कई सालों में हिंदुस्तान के सभी त्यौहारों के साथ रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में भी कई मतभेद बताए जाते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के त्यौहार में भद्रा का योग है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि भूलकर भी बहनों को अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधनी चाहिए भद्रा काल के समय, वरना इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में गुरु जी ने रक्षाबंधन से जुड़े हुए सभी शुभ मुहूर्त के बारे में अपने भक्तों को बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल भद्रा के साए की वजह से लोग जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार 30 तारीख को मनाए या 31 तारीख को मनाए, लेकिन ऐसे में गुरुजी का कहना है कि हिंदू पंचांग के हिसाब से इस बार सावन मास की पूर्णिमा 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, 31 अगस्त 7:05 पर इस तिथि का समापन होगा। लेकिन गुरुजी का कहना है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि शुरू होने के साथ ही भद्रा का आरंभ भी हो जाएगा। ऐसे में भद्रा काल का समय रात को 9:02 तक रहेगा, और पौराणिक मान्यता कहती है कि ऐसे तो राखी दोपहर में बांधनी चाहिए, लेकिन अगर दोपहर में भद्रा का समय है तो प्रदोष काल में राखी बांधनी चाहिए, लेकिन 30 अगस्त वाले दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कहीं पर भी नहीं है। इसलिए आप चाहे तो 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। अब आपको बता दें कि गुरुजी का कहना है कि भद्रा सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है। जिस समय भद्रा धरती पर होती है उस समय कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में गुरुजी का कहना है कि अगर बहनें अपने भाइयों का भला चाहती है, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आने देना चाहती है, तो भूलकर भी भद्रा काल में अपने भाइयों को राखी ना बांधे। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि बहनों को, भाइयों को राखी बांधते समय कुछ खास उपाय भी जरूर करने चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने भाई के कलाई में राखी बांध रहे हो या राखी लेकर जा रही है, तो ध्यान रखें कि काले रंग की राखी बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर आप काले रंग की राखी लेकर जाती है या फिर काले रंग के कपड़े पहनकर रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई को राखी बांधने जाती है, तो ऐसा करने से नकारात्मकता का प्रभाव आपके भाई के जीवन पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप रक्षाबंधन वाले दिन किसी भी चीज़ में काले रंग का प्रयोग ना करें। इसी के साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि आजकल देखा गया कि बहनें रक्षाबंधन वाले दिन भाइयों के लिए मिठाई की जगह अन्य सभी चीज़ें ले जाती है। आज के ज़माने में मिठाई खाना कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए त्यौहार वाले दिन मिठाई ले जाना चलन बंद होता जा रहा है। लेकिन गुरुजी का कहना है कि त्यौहार वाले दिन अगर बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाई लेकर जाती है, तो ऐसा करने से ना केवल अपने भाइयों की ज़िंदगी में
मिठास घुलने लग जाती है, बल्कि आपके और आपके भाई के बीच में प्रेम भी बढ़ता है। ऐसे में कोशिश करें कि रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के लिए कुछ मीठा लेकर जरूर जाएं। ऐसा करने से आपके बीच का प्रेम बढ़ेगा और आपके भाई की रक्षा भी होगी। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि महिलाओं को रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाइयों की नज़र भी ज़रूर उतारनी चाहिए। कहा जाता है कि बहन राखी वाले दिन अपने भाई की नज़र उतार देती है तो उस भाई की सारी बलाएँ नज़र के साथ ही उतर जाती है। तो दोस्तों आगे आपको बता दें कि बहनें भाइयों की नज़र उतारने के लिए गुरुजी का यह बताया हुआ एक खास उपाय भी कर सकती है। गुरुजी का कहना है कि आप 7 लाल मिर्च लीजिए, साथ में थोड़ी सी आटे की भूसी, थोड़े से काले रंग की राई, थोड़ा सा नमक लेकर अपने भाई के ऊपर से कम 21 बार उतारा कर दीजिए। इसके बाद आप एक दीपक में थोड़ा सा कपूर जलाइए और वह कपूर वह उतारा करा हुआ सामान जला दीजिए और बाहर रख दीजिए। जो बहने रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई की नज़र इस तरीके से उतार देती है उसके भाई को जीवन भर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि बहनों को रक्षाबंधन वाले दिन 5 रुपये की खास चीज़ जरूर खरीदनी चाहिए। तो कहा जाता है कि रक्षाबंधन वाले दिन अगर आप भाई के लिए राखी के साथ मोली भी लेकर जाती है तो इस मोली को 7 बार या 11 बार अपने भाई की कलाई में बांध देती है। तो ऐसा करने से आपके भाई के ऊपर आने वाली सभी मुसीबतें अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। किसी भी मुसीबत से बचने का रक्षा सूत्र भी आपके भाई की कलाई पर बंध जाता है। तो इस तरह बहनें अपने भाइयों की राखी लेकर जा रही है तो कलावा भी ज़रूर लेकर जाएं। इसी के साथ गुरुजी ने 5 रुपये की एक और चीज़ घर में लाने को लिए कहा गया है। गुरुजी का कहना है कि पौराणिक कथाएं, पौराणिक मान्यता है कि रक्षाबंधन वाले दिन सभी घरों में दीवारों पर सोना सोनी काटे जाते हैं। सोना सोनी कुछ और नहीं बल्कि गेरू से बनी हुई कुछ खास आकृति होती है। इस आकृति में घर की महिलाएँ घेवर, स्वास्तिक, ओम या फिर सराती की तस्वीर बना देती है। इसी के साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चिपकाया जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने से पहले इन्हें सोना सोनी की पूजा की जाती है। तो सोना सोनी की पूजा करने के लिए एक विशेष तरह की राखी आती है जो पीले रंग के धागे में होती है। इन्हें गुलाबी रंग की कपास लगी होती है। तो गुरुजी का कहना है कि अगर आप रक्षाबंधन वाले दिन घर में सोना सोनी बनाकर कपास लगे हुए पीले धागे लेकर आते हैं और घेवर के साथ चिपका देते हैं या सोना सोनी पर लगा देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए घर से बाहर चली जाती है। आपके घर के लोगों की तरक्की के दरवाजे खुलने लग जाते हैं और आप अपने जीवन में लगातार तरक्की करते रहते हैं। तो आगे आपको बता दें कि गुरुजी का कहना है कि घर के मुख्य दरवाजे पर पाट वाली राखी अगर चिपका दी जाती है तो इससे आपके घर में धन दौलत की बाढ़ तो आ ही जाती है, साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, नारायण के साथ साक्षात आपके घर में विराजमान रहती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये थे कुछ उपाय जो रक्षाबंधन पर सभी बहनों को अपनाने चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि भद्रा आखिर कौन थी और कैसे वह रक्षाबंधन पर आकर अशुभ कर देती है, क्योंकि भद्रा जिस समय तक पृथ्वी पर रहती है उस समय तक कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाता। साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।